देश की जनता की इस कोरोना काल की विकट स्थिति में कोई लोगों की मदद कर रहा है तो वो है श्री राहुल गांधी जी के सिपाही श्रीनिवास बीवी और भारतीय युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता। क्या आम और क्या खास स्थिति ये हो गई है कि चाहे फॉरेन एम्बेसी हो या भाजपाई सांसद या केंद्र मंत्री या फिर चाहे मीडिया के ही लोग, उनको भी ऐसे वक्त में राहुल गांधी के भारतीय युवा कांग्रेस के सिपाहियों से ही मदद मांगनी पड़ रही है। कारण तानाशाह सरकार ने ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनाया कि लोगों को रिस्पॉन्स कर सके, उनकी मदद कर सके। उन्हें ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, इंजेक्शन, दवाइयाँ और भोजन उपलब्ध करवा सके। अब जब राहुल गांधी के युवा कांग्रेस सिपाही अपने अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में मदद कर रहे हैं तो ये मोदी सरकार को कैसे बर्दाश्त होगी, क्योंकि उसके लिए लोगों की जिंदगी बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण खुद की छवि बचाना है। इसके लिए वो कोई भी नीच कृत्य करने के लिए तैयार है। तानाशाह सरकार ने ओछी और संकीर्ण सोच का परिचय देते हुए संकट के समय में लोगों की मदद कर रहे भारतीय युवा कांग्रेस वो उसके अध्यक्ष श्रीनिवास के खिलाफ जांच के आदेश दे डाले और क्राइम ब्रांच पुलिस को पूछताछ के लिए भेज दिया। कीजिए जांच और पूछताछ तानाशाह हो, अवश्य कीजिए, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय बुरा होता है तो बुद्धि विपरीत ही काम करवाती है। अपने सरकार की नाकामी से तानाशाह जी इतना चिढ़ गए कि मदद करने वालों से बदला लेने पर उतर आए हैं। खुद मदद कर नहीं सकते और मदद करने वालों की जांच के आदेश, केंद्र की तानाशाह सरकार में जरा भी शर्म नहीं बची। साथियों, ऐसे में हताशा तानाशाह मोदी सरकार के निशाने पर भारतीय युवा कांग्रेस का संगठन है। आज फिर से राहुल गांधी के सिपाही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी पर दबाव डालने की नियत वो अत्याचारी सोच से भारतीय युवा कांग्रेस को निस्वार्थ सेवा से रोकने की कोशिश येन-केन प्रकरण की जा रही है। लेकिन युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आपदा की इस घड़ी में देश के जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर है और रहेगा। वो निडरता से निरंतर कार्य करता रहेगा। मोदी जी, ओ मोदी जी, सुनिए ना मोदी जी, आपकी लापरवाही ने देश को आत्मनिर्भर की बजाय आत्मनिर्भर भारत बना दिया। आज प्रतीत होता है कि आत्मनिर्भर भारत कोरोना काल में सड़कों पर हो रही बेहिसाब मौतों के नजर आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। और हाँ, एक बात और, हमारे संगठन और एक देशप्रेमी कार्यकर्ता का जन्म कोई अंग्रेजों की जासूसी करते हुए नहीं, स्वतंत्रता की आंदोलन की कोख से हुआ है, उनकी आहुतियों से हुआ है। जो हम आपके इन कुकृतियों से अतो उत्साहित हो जाएं, हम हमारे नेता श्रीनिवास बीवी के साथ एक एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता दमदारी से मजबूती के साथ पूरे देश में खड़ा है। और जान बचाने वाले भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के खिलाफ जांच के आदेश, क्या अब इस देश में जान बचाना भी गुनाह है? आपकी नज़र में कोरोना काल में मदद करना अपराध है तो हम ये अपराध एक बार, सौ बार, हजार बार नहीं, बार बार हर बार करेंगे। ये मैसेज भारतीय युवा कांग्रेस के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर सुवेग राठी की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथियों, तानाशाहों की सरकार बेशर्मी पर उतर आई है। मोदी जी, ओ मोदी जी, अरे सुनिए ना मोदी जी, आपकी लापरवाही ने देश को आत्मनिर्भर की बजाय आत्मनिगल भारत बना दिया है। साल साल की सत्ता में हर मोर्चे पर आपकी केंद्र की मोशा सरकार अपनी नाकामियों को ढकने के लिए मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ चुकी है। जहां इन दिनों कोरोना से निपटने में आपका सारा सरकारी तंत्र विफल हो चुका है, आपके खुद की सरकार के केंद्रीय मंत्री, भाजपा सांसद, युवा कांग्रेसी नेताओं से खुलेआम मदद मांगकर खुद की सरकार की सक्षमता पर सरेआम सवाल खड़े कर रहे हैं। साथियों, मैं ऐसे में हताशा भरी तानाशाह मोदी सरकार के निशाने पर भारतीय युवा कांग्रेस का संगठन है। आज फिर से राहुल गांधी जी के सिपाही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी पर दबाव डालने की नियत व अत्याचारी सोच से भारतीय युवा कांग्रेस को निस्वार्थ सेवा करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपदा की इस घड़ी में देश के जरूरतमंदों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है और हमेशा रहेगा और निडरता से अपना कार्य करता रहेगा। 7 साल में मोदी जी ने जो वैश्विक पर्यटन कर विश्व गुरु का डंका पीटा था, आज तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। भारत को कोरोना में महामारी में विश्व गुरु बताया जा रहा है। आज प्रतीत होता है कि आत्मनिर्भर भारत
कोरोना काल में सड़कों पर हो रही बेतिहासा मौतों की नजर आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। और हाँ, एक बात और, हमारे संगठन और एक एक देशप्रेमी कार्यकर्ताओं का जन्म कोई अंग्रेजों की जासूसी करते हुए नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से हुआ है, उनकी आहुतियों से हुआ है। जो हम आपके इन कुकृत्यों से हतोत्साहित हो जाएं, हम हमारे नेता श्रीनिवास बीवी के साथ एक एक युद्ध कांग्रेस का कार्यकर्ता दमदारी से पूरी मजबूती के साथ पूरे देश में खड़ा है। और आपकी नजर में कोरोना काल में मदद करना अगर अपराध है, तो हम ये अपराध एक बार नहीं, सौ सौ बार, हजार बार नहीं, बारंबार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।